माह रजबुल मुरजब का चांद नजर आ गया। रोयत हिलाल कमेटी के मुताबिक शब मेराज 27 रजब यकुम मार्च को होगी। माह रजब के फजाइल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मजहबी स्कॉलर जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाजी साहब। बहुत शुक्रिया गाजी साहब आपके वक्त का। कुछ रोशनी डालिएगा इस महीने की फयूज़ो बरकात पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, माह रजब जो है कि ये ज़हन में रखिए कि चार महीने जो हुर्मत वाले हैं, जो बहुत बरकत वाले, उनमें से एक जो है ये रजब का महीना है। रजब के महीने की जो इबादत है दूसरे महीनों के मुकाबले में जो कई गुना इसका सवाब जो है वो बढ़ जाता है। फिर इस रजब के महीने की बरकत में से यह है कि सैयद अली मुर्तजा शेर खुदा का 13 रजब को आपकी विलादत पाक है और ये बड़ा मुतबर्रक महीना है। 27 जो है रजब, उसमें मेराज मुबारक रसूलुल्लाह सल्लम को मेराज हासिल हुई और तमाम आसमानों और जन्नतों की सैर कराई गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उम्मत के बारे में यही दिन था जब जो नमाज का ये जो 5 नमाजों का तोहफा 50 से 5 नमाजें हुई। तो ये रजब जो है ये अल्लाह ताला का महीना है और ये बड़ा बरकतों वाला महीना है। इस महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए और सबका खैरात करना चाहिए, और ये जो हमारे ऊपर वबाएं आई हैं उनके लिए ये बेहतरीन है दुआ मांगने के लिए कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द इस मुसीबत को हमसे दूर करे। बहुत शुक्रिया गाजी साहब आपके वक्त का।